वाह अर्णव जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आज इतने दिनों बाद हमने असली अर्णव सिंह रायजादा को देखा। कैसे उस विक्रांत के बच्चे का मुंह बंद कर दिया आपने, मजा आ गया। हम जानते थे कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। Excuse me? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि मैंने जो भी कहा सारे कंटेस्टेंट्स के लिए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। क्यों, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? अब नहीं, हमने ऐसा तो नहीं कहा। ओके, वैसे मैं सोच रहा था अगर मैं उस टाइम वहां नहीं आता तो क्या होता? क्या होता? कुछ भी तो नहीं, हम सब कुछ संभाल लेते। कैसे? स्विम सूट पहन के या कॉन्टेस्ट से बाहर होके? इनमें से कुछ भी नहीं होता। हम उन्हें मना लेते कि कॉन्टेस्ट में स्विम सूट राउंड ना हो। शायद आप देर से आए इसलिए आपने देखा नहीं कैसे हमने उस विक्रांत के बच्चे को इतना कुछ सुना दिया। अगर आप नहीं आते तो हम उन्हें खुद बता देते कि हम जैसा चाहिए वैसा ही होना चाहिए। Really? हाँ, रियली। ओके, अगर ऐसा है तो अगले राउंड के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगला राउंड बहुत टफ होने वाला है, स्पेशली तुम्हारे लिए। देखेंगे। खुशी, चाहते हुए दरवाजा बंद कर देना, और याद रखना हम यहाँ पे पति पत्नी नहीं है। गाड़ी में बैठ। क्यों, आप ही ने तो कहा था ना कि हम यहाँ पति पत्नी नहीं है। खुशी, दिन खत्म हो चुका है और अब हम इवेंट के प्रमाण में नहीं है, सो डज नॉट अप्लाई। कम सर। धन्यवाद, लेकिन हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम घर से गाड़ी नहीं लेकर आए। हम नहीं चाहते थे कि कोई हमें एक बड़ी सी गाड़ी से निकलते हुए देखे। खुशी, सब जा चुके हैं और तुम्हें यहाँ कोई ऑटो नहीं मिलेगा, कृपया करके अंदर बैठ जाओ प्लीज। नहीं, हम खुद चले जाएंगे। You sure? हाँ। All right. Bye. चले गए। हम परेशान हो गए इस लॉर्ड गवर्नर से। पहले बात बात पे हमें गाड़ी से निकाल देते थे, अब गाड़ी में बिठाते ही नहीं है। वैसे अर्णव जी सही कह रहे थे, मैं यहाँ रिक्शा कैसे मिलेगी? पास आने की कोशिश थी। कराटे आता है हमें, काले नीले पीले हर बेल्ट है हमारे पास, और आगे बड़े तो सर फोड़ देंगे। भागो यहाँ से। अरे आप कब आए, हमने आपको देखा ही नहीं। अब देख लिया, इससे पहले कोई और गुंडा है, चलो चल के गाड़ी में। आते हैं तो आने दीजिए, हम किसी से डरते नहीं। आपने देखा नहीं कैसे हमने उसे डरा के भगा दिया यहाँ से? हाँ देखा मैंने, फ्रॉम माय सेक प्लीज कम सरेंडर का। अच्छा ठीक है, आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो हम चलते हैं आपके, लेकिन हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आलू के पराठे मक्खन लगा के, किस खुशी में? वो भाभी जी, दरअसल कल मैं बाजार से आलू ज्यादा खरीद के लाया था, इसलिए मैंने आज आलू के पराठे बना दिए।
आपको ये खाना मना है, लीजिए। थैंक यू खुशी जी, आप पे रिस्ट्रिक्शंस है लेकिन हम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो मैं सिखा सकता हूँ। वाओ खुशी जी, ये पराठे ना सिर्फ देखने में इतने अच्छे लग रहे, टेस्टी नहीं है, बहुत ऐसे हैं। हाँ सच है ना नानी, अच्छे नहीं है ना? खुशी है तुम्हारे लिए। आप तो हमारे लिए छोले भटूरे या जलेबी लाए होंगे ताकि हम मोटे हो जाएं, या फिर चॉकलेट्स। हम जानते कि आप हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इतनी जल्दी बहकने नहीं वाले, समझे आप? अगर आप चाहते कि हम मोटे हो जाएं, तो हम इस कॉन्टेस्ट के बाद मोटे होंगे। आप जितना चाहे हमें लालच देने की कोशिश में लगे रहिए, लेकिन हम नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। मोटा करने वाला खाना हरगिज नहीं खाएंगे। हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं अर्नब जी, आपने करवा चौथ पे भी ऐसे ही किया और अभी आप वही करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं खाएंगे। हम अपने फैसले पे अटल हैं, सैम जी की कसम। Come on, खुशी, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं और तुम ना खाओ? मैं ही तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। I can't believe you're thinking that. खाते हुए हमें महसूस हो रहा कि हम मोटे हो रहे हैं। सैम जी तो हमें मार ही डालेंगे। खुशी ये फैट फ्री है, सब मॉडल्स यही खाती हैं। सच? ये क्या है? पिता ब्रेड सैंडविच, स्पेशली तुम्हारे लिए लाया। माता पिता जो भी हो, लेकिन ये खाते हुए हमें महसूस हो रहा है कि हम फूले जा रहे हैं। वाओ, क्या प्यार है, अमेजिंग। क्या कर रही हो?
हम बाकी मॉडलों की तरह पतले होना चाहते हैं। सैम जी ने कहा कि हमारी कमर पूरी आधा इंच ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हम मोटे हैं। हाँ वो तो तुम हो। Yeah. I mean, स्पॉन्सर होने के नाते I think I should tell you that थोड़ा वेट लूज करने की जरूरत है। You have to look more leaner. थोड़ा ज्यादा फिट होने की जरूरत है। लेकिन तुम्हारा पति होने के नाते मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा वेट पुट ऑन करने की जरूरत है। क्या अर्नब जी, आप जानते हैं ना, अभी हम अपना वजन बढ़ा नहीं सकते। सॉरी, हर किसी का करियर उसकी पर्सनल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई अंडरस्टैंड। अच्छी ये देवी मैया, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया आपने हमें। सैम जी चाहते कि हम अपनी कमर से आधा इंच घटाएं और अर्नब जी चाहते कि हम बढ़ाएं। अब हम अपनी इस बेचारी कमर का क्या फैसला करें? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।